दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। रिश्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 से ज्यादा मापी गई। कृषि मंत्री शरद पवार ने बेहतर मानसून की बदौलत 2013-14 में अनाज के रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री ने जीएम फसलों की पैरवी करते हुए कहा कि इस साल देश में कुल खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़कर 129.32 मिलियन टन रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को फंड मुहैया कराने के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए सेनाओं द्वारा नेताओं को पैसे दिए जाते रहे हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष के इस खुलासे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष को उन राजनेताओं के नाम का भी खुलासा करना चाहिए जिनको पैसे दिए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जनरल वीके सिंह के दावे के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि उनको पद पर रहते हुए ही यह मुद्दा उठाना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नेताओं के फंडिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अब्दुल्ला ने कहा कि एक पूर्व सेना अध्यक्ष का इस तरह का बयान आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण है। वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को आज रिहा कर दिया गया। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में बंद रहे जगनमोहन ने 16 महीने बाद राहत की सांस ली। रिहाई के बाद जेल परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करने पर बल दिया है। कर्नाटक के बीजापुर स्थित सैनिक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रहमान खान ने मुजफ्फरनगर में राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय कल से 16 दिसंबर गैंगरेप और हत्या केस की सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट ने कल चारों दोषियों को प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। हाई कोर्ट के सामने यह केस तब आया था जब ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए इस केस को हाई कोर्ट भेजा था। मुंबई में 26/11 के हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के 8 सदस्यीय न्यायिक आयोग के सामने आज भारतीय गवाहों की गवाही शुरू हुई। आयोग मुंबई हमले मामले में पाकिस्तान में पकड़े गए 7 संदिग्धों के सिलसिले में इन लोगों की गवाही रिकॉर्ड कर रहा है। केंद्र सरकार ने देश में 20 नए कैंसर संस्थानों और 23 नए टर्शियरी कैंसर केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों को ICMR अवार्ड से सम्मानित करने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वर्तमान में काम कर रहे 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को और बेहतर बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। एन श्रीनिवासन को BCCI के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। BCCI अध्यक्ष का चुनाव 29 सितंबर को सालाना बैठक में होगा। ये याचिका क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने दायर की है। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा है कि वह आगे आने वाले दिनों में भी शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि पदक जीतने के बाद उनसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।